ये है टाइम्स 18 न्यूज खबर आपके मतलब। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को योजना के कार्ड क्षेत्रीय विधायक संजय शर्मा व पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सूरजबान माहौर द्वारा बांटे गए। कार्ड वितरण समारोह में मौजूद लोगों को मोदी सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी बताया गया। जहांगीराबाद के मौला कायस्थपाड़ा व बंसीधर में शनिवार देर शाम आयुष्मान भारत योजना के कार्ड वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक संजय शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में पालिकाध्यक्ष डॉक्टर सूरजबान माहौर ने शिरकत की। विधायक संजय शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी की गरीबों के हित में चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत के विषय में विस्तार से बताया। योजना के संबंध में बताते हुए विधायक संजय शर्मा ने कहा कि जो गरीब व्यक्ति धन के अभाव में किसी रोग का इलाज कराने में भी डरता था, वही गरीब पीएम मोदी की इस योजना के तहत किसी भी रोग का इलाज करा सकेगा। इलाज कराने के लिए 5 लाख रुपए तक का खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी। इस योजना के तहत कुछ अस्पतालों को चिन्हित किया गया है जिनमें इलाज करवाया जा सकेगा। इसके साथ ही विधायक संजय शर्मा ने केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कुल 129 योजनाएं जनहित में चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ हर वर्ग के व्यक्ति तक पहुंच पा रहा है। साथ ही उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों में रहने वाली गैस व किसानों के लिए खाद की किल्लत पर भी बरसते हुए कहा कि मोदी सरकार जनहित में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ हर तबके के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की जन आरोग्य योजना है, जिसमें आयुष्मान भारत के नाम से कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। हमारे देश के करीब 10 करोड़ परिवारों को इस योजना के अंतर्गत कार्ड दिए जा रहे हैं और इन कार्ड के जो धारक हैं वो देश में कहीं पर भी जो हमारे चिन्हित अस्पताल हैं वहाँ 5 लाख रुपए तक का कोई भी इलाज जो बीमारी हो वो करा सकते हैं। आज से पहले इस देश में ये व्यवस्था नहीं थी। इस देश में व्यक्ति बीमार होता था लेकिन वो अपना इलाज नहीं करा सकता था, मौत उसके सामने खड़ी होती थी लेकिन वो अस्पताल में नहीं घुस सकता था। आज देश को इतनी बड़ी सौगात हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है, उसी का कार्ड वितरण कार्यक्रम हम लोग जगह जगह पर कर रहे हैं। लगभग सारे कार्ड बढ़ चुके हैं देश में, अलग अलग स्थानों पर सब लोग काम कर रहे हैं और मुझे लगता है जल्दी सभी कार्ड बढ़ जाएंगे। और इसके अलावा 10 करोड़ की बात भी सरकार ने, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक गोल्डन कार्ड की योजना जारी की कि वो परिवार जो किसी भी कारण से इस लिस्ट में, इस सूची में नहीं शामिल हो पाए हैं, उनको भी जल्दी हम अच्छे कार्ड बांट। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से टाइम्स 18 न्यूज के लिए दीपक शर्मा की रिपोर्ट। ये है टाइम्स 18 न्यूज खबर।